प्रदेश के युवाओं को नशे से बचाने के लिए सभी लोगों को आगे आकर काम करने की जरूरत है, तभी सही मायने में हिमाचल प्रदेश देवभूमि कहलाएगा। शिमला में आयोजित एकल विद्यालय के 3 दिवसीय प्रभात कार्यशाला के समापन के अवसर पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने यह बात कही। शिक्षा में गुणवत्ता, नैतिक शिक्षा और संस्कार युक्त शिक्षा देने के लिए एकल विद्यालय बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि एकल विद्यालय के ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को सामाजिक गतिविधियों से जोड़ने की पहल सराहनीय है। चलिए आगे दिखाते हैं प्रदेश शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने अपने संबोधन में क्या कहा। देखिए, एकल अभियान जो है ये एक अनौपचारिक शिक्षा है। जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं गाँव में, उनको जो है वो छुट्टी होने के पश्चात जो है वो संस्कार युक्त शिक्षा प्रदान करना और उसके साथ साथ रोगों से जो है वो मुक्ति, यानी ये रोग हो ही ना, उसके लिए प्रयास करना। और गाँव में जो स्कीम्स चलती हैं बहुत सारी, और गाँव को किस प्रकार से समृद्ध किया जा सकता है, इन सभी विषयों पर जो एकल अभियान के जो कार्यकर्ता हैं, पूर्णकालिक कार्यकर्ता रहते हैं ये अधिकांश, तो वो इसमें जो है वो काम करते हैं। इनका ये 3 दिवसीय वर्क था यहाँ पर, जिसमें आगे क्या करना है, किस तरह करना है, और इनके भी जो हैं वो संस्कार बार बार जो है वो काम करते हुए जो हैं वो बने रहें, इस दृष्टि से इस वर्क का बहुत महत्वपूर्ण जो है वो योगदान होगा। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक गांव में ये अभियान जो है वो पहुँचेगा, और जो इनका लक्ष्य है 2022 तक 1,00,000 गांव सारे हिंदुस्तान में पहुंचने का, उसमें हिमाचल प्रदेश के अधिकांश गांवों में इस अभियान के द्वारा जो है वो कार्य होगा। और हिमाचल प्रदेश में आज आवश्यकता ज़्यादा इसलिए भी है, ये देवभूमि कहलाता है हिमाचल प्रदेश, लेकिन देवभूमि में नशाखोरी जो है वो एक बहुत बड़ा जो है वो दुष्प्रभाव जो है यहाँ पर होता जा रहा है, जिसके कारण हमारी जो आने वाली पीढ़ी है या हमारा जो युवा है, हमारे जो बच्चे हैं, वो इसके आगोश में जो है वो फंसते जा रहे हैं। अगर आप प्रॉपर जो है वो शिक्षा का जो समय है उसके अतिरिक्त समय में कुछ सामाजिक संस्थाएं, दूसरे लोग, समाज के लोग जो हैं वो संस्कार प्रदान करेंगे, शिक्षा प्रदान करेंगे, तो उस अभियान में भी सफलता प्राप्त हो सकती है। हम अपनी आने वाली पीढ़ी को उस नशे से जो है वो मुक्त रख सकते हैं, उनको उस दिशा में जाने से रोक सकते हैं। ये भी इस एकल अभियान का जो है एक बहुत बड़ा जो है योगदान इस समाज में संस्कार प्रदान करने के लिए होगा। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, थोड़ा डिले हुआ है इस बार, और जो हमारी प्लस टू की क्लास है वो निकल जाती है। मैंने भी देखा है वो सर्कुलर जो है वो चुनाव अभियान के दौर जब कोड ऑफ कंडक्ट लगा था तब रूटीन मैटर जो है वो निकला है, उस पर हम विचार करेंगे कि ये देना ज़रूरी है या नहीं देना ज़रूरी है, क्योंकि वर्दी तो स्कूल में पहन जो है वो जब चलता रहता है स्कूल, उसको पहनने के लिए एक रूपता बनी रहे उसके लिए यूनिफॉर्म दी जाती है। वो कोई ऐसे मैटर ऑफ राइट वहाँ से चला जाए और उसको जो है मिल जानी चाहिए, ऐसा मैं नहीं समझता, लेकिन सबके विचार जाने के बाद जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करने के बाद इस पर जो है वो निर्णय लेंगे। अर्थ प्रकाश के लिए शिमला से अनीश चौहान की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।